हेलो फ्रेंड्स, माय फूड कॉर्नर में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ मैंगो आइसक्रीम की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। इसके लिए हमने लिए हैं 2 मैंगोस, इसे हमने काट लिया है। इसकी हम प्यूरी बनाएंगे। 1 कटोरी मिल्क पाउडर, 1/2 कटोरी चीनी, 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर, 1 कटोरी मलाई या आप क्रीम भी ले सकते हैं और 1 गिलास दूध। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हमने एक पैन में 1 गिलास दूध डाल दिया है। अब हम इसमें अपनी 1/2 कटोरी चीनी डाल देंगे। अब हम गैस चलाकर इसे थोड़ा पकने देंगे। अभी हमने 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर लिए थे, इसमें हम थोड़ा सा दूध डालकर ठंडा इसे थोड़ा पतला कर लेंगे। ये हमारा कॉर्नफ्लोर थोड़ा पतला हो गया है। अब हम इसे अपने दूध में डाल देंगे। अब हम इसमें अपना कॉर्नफ्लोर थोड़ा थोड़ा डालकर इसे हिलाते रहेंगे। ये हमारा दूध अब थिक हो गया है। अब हम गैस को बंद कर देंगे। अब इसे हम थोड़ी देर ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। अभी हमारा दूध ठंडा हो चुका है। अब हम अपने मैंगो की प्यूरी बना लेते हैं। अब हम अपने मैंगोज इसमें मिक्सर में डालकर इसकी प्यूरी बना लेते हैं। अब हम इसे मिक्स कर लेते हैं। हमारे मैंगो की प्यूरी बन चुकी है। अब हम इसमें अपना दूध ऐड कर देते हैं। मिल्क पाउडर भी हम इसमें ऐड कर देते हैं। इसमें हमने मैंगो और दूध ऐड कर दिया है और मिल्क पाउडर भी। और ये जो हमारी मलाई बची है, इसे हम अभी नहीं यूज करेंगे, इसके हम बाद में यूज करेंगे। अब इसे हम मिक्स कर लेते हैं। अभी ये बैटर हमारा रेडी हो गया है। अब हम इसे एक कंटेनर में निकाल लेते हैं। अब इसे टैप करके हम इसे 4 घंटे के लिए फ्रीज होने के लिए छोड़ देंगे। इसे हमने 4 घंटे फ्रीज करके अब फ्रिज से निकाल लिया है। ये थोड़ी जम चुकी है। हम इसे मिक्सर में डालकर एक बार ग्राइंड कर लेंगे। हम इसमें डाल के मिक्स कर लेते हैं। इसे हम अपनी मलाई भी ऐड कर देंगे इसे क्रीमी टेक्सचर देने के लिए। इसे मिक्स कर लेते हैं। ये अपने बैटर को हम अपने कंटेनर में निकाल देते हैं। अब ये बैटर हमारा क्रीमी हो गया है। अब इससे हम अपना फॉइल पेपर लगा देते हैं ताकि इसमें आइस क्रिस्टल ना आए और इसे ओवरनाइट फ्रीज करने के लिए छोड़ देंगे। अभी आइसक्रीम को हमने ओवरनाइट फ्रीज करके बाहर निकाल लिया है। ये एकदम फ्रीज हो चुकी है। अब हम इसे एक बाउल में निकाल लेते हैं। अब हम इसकी गार्निशिंग कर देते हैं। इस पे हम थोड़ा पिस्ता डाल देते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अपने रिव्यूज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।